हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुकर में 1 गिलास पानी लिया है, 4 टेबलस्पून तूर दाल, 3 टेबलस्पून मसूर दाल और इसमें 3 टेबलस्पून मूंग दाल डालकर अच्छे से वॉश कर लें और इसमें 1 गिलास पानी डालें। 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1 मीडियम साइज प्याज, 4 हरी मिर्च डाल दें। हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबलस्पून नमक डालकर इसके 3 से 4 विस्टल लें, यानी सीटी लें। ये देखिए गाइस, हमारी दाल अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम दाल को तड़का देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबलस्पून घी लिया है। और अब हम इसमें हाफ टेबलस्पून जीरा डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन डालकर फ्राई कर लें। थोड़ी सी करी पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च, इन सबको थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लें। हमने जो दाल रेडी की है वो इसमें डाल दें। और थोड़ा सा हरा धनिया डालें। ये देखिए गाइस, हमारी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।